भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पल्लवी राय। केंद्रीय मंत्री और पशुपालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो अपने बयानों के लिए बहुत जाने जाते हैं और आए दिन ऊल जलूल बयान देते ही रहते हैं। इस बार का उनका बयान बहुत ही अजीब और गरीब है। वो किसी जाति विशेष की गाय के बारे में बता रहे थे और वो बता रहे थे कि विदर्भ जो गाय होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं और 1 या 2 किलो दूध ही देती हैं। ऐसी गायों पर एक अनोखी तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा और वो गाय जब गर्भवती होंगी तो हमेशा बछिया ही पैदा करेंगी। इस तरह का बयान जो है गिरिराज सिंह दे रहे थे, किसी तकनीकी का प्रयोग करने के बाद कह रहे थे। तो अगर उनके बयान को उन्हीं की जुबानी सुना जाए तो कुछ अजीब नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। आइए चलते हैं। मेरा 2 विजन है, मैं आपसे कह चुका हूँ कि विदर्भ की गायें बड़ी छोटी छोटी गायें भी होती है जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है। मैं आने वाले दिन में अब देश के अंदर जो गर्भाधान होगा, जो बच्चे पैदा लेंगे, वो केवल बछिया होगा सॉर्टेड सेक्स सीमन के तहत। अब ये मॉब लिंचिंग का सवाल नहीं होगा जो एस्ट्रो एनिमल के रूप में हमारा जानवर उपयोगी होगा। और जिस दिन ये हम इस साल 30 लाख डोज 2019 और 20 में करूंगा, आने वाले दिन में 2025 तक मैं 10 करोड़ डोज 10 करोड़ बछिया होगी। हमारे नेता ने कहा इतनी बछिया हो जाएगी दूध होगा। दूध क्या, मैंने कहा आपका सही है, मैं चिंतन मंथन अब से शुरू कर रहा हूं कि हम एक्सपोर्ट कितना करेंगे, लेकिन किसानों के पॉकेट में जिस समय बछिया पैदा होगी, 1 करोड़ हम डोज अगर देते हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का फायदा होगा। और जो आपकी छोटी गायें हैं, मैं 3 साल के अंदर दोष दिखा दूंगा कि कोई विदर्भ का नौजवान 100 छोटी वाली गाय रख ले, जो दूध नहीं देने वाली है वो गाय रख ले, हम गाय की फैक्ट्री लगा देंगे, गाय पैदा करने की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री सब जब बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा, भाई आइसक्रीम तो फैक्ट्री में बनेगा संतरे का, ये गाय की फैक्ट्री कैसे होगी? आप आदमी में जानते हैं कि सरोगेट मदर की एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, हम उसमें और टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहे हैं, जो गाय हमारी दूध देने लायक नहीं रहेगी, छोटी बछिया हो या बड़ी हो, उसके अंदर हम 20 लीटर दूध देने वाली गाय का IVF एम्ब्रियो और भी उससे एडवांस टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करेंगे। ऐसा क्रांति लाएंगे कि हमारे दूध के कीमत के बराबर दुनिया के दूध का कीमत नहीं होगा, हमारा कम होगा दुनिया का अधिक होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और तब फिर मदर डेयरी का, अभी हमारा 22 से 25% दूधों का वैल्यू एडिशन है। मेरा लक्ष्य है कि हम दूध का टोटल प्रोडक्शन का कम से कम 50% पर हम वैल्यू एडिशन में जिस दिन जाएंगे वो दिन हमारे किसानों के चेहरे लाल होंगे। इस बयान को देखने के बाद ये पता चला है कि गिरिराज सिंह किसी ऐसे तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं जिससे बछिया ही बछिया पैदा होंगी और वो गायों की एक फैक्ट्री बना रहे हैं। ले देकर इस तकनीकी का प्रयोग कर किसानों को लाभ मिलेगा, दूध ज्यादा उत्पादन होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। तो मोटी मोटा ये समझ सकते हैं कि इस जो तकनीकी का प्रयोग है उससे किसानों को लाभ मिलेगा। इस पूरे बयान को देखने के बाद कहीं अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है यानी कि भाजपा की जो सरकार है वो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करती है और आधुनिक तकनीकी पे अपना विश्वास रखती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके बहुत से ऐसे मंत्री हैं जिनका बयान मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। उनके बयान देखकर आप ये मान लेंगे कि मैं सही कह रही हूँ। मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं निशंक पोखरियाल। निशंक पोखरियाल ये कहते हैं कि जो विज्ञान अभी आविष्कार कर रहा है वो हम 1000 साल पहले ही प्रयोग कर चुके थे। और वो ये भी कह रहे थे जब उनकी नियुक्ति हुई थी उस समय उन्होंने कहा था कि ज्योतिष विज्ञान के आगे साइंस जो है वो बौना है और ज्योतिष विज्ञान उसका बाप है। इस तरह की बात वो कह रहे थे और ये कह रहे थे हमें ज्योतिष विज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए,
उसे सपोर्ट करना चाहिए। वो ये कह रहे थे कि आज जिस न्यूक्लियर साइंस की हम बात कर रहे हैं उसे 1,00,000 साल पहले कश्यप ऋषि ने कर चुका था, और जो हम ये ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं वो भी हम बहुत पहले ही कर चुके थे। तो निशंक जी ये कह रहे थे कि जो ज्योतिष विज्ञान है वो आधुनिक साइंस से बहुत बड़ा है। अब ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूँ वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान सिरमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कोणार्क ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का सिर से अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का सिर से अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी, जी थी, वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है। सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। और मैं तो उस धरती से आता हूँ सिरमन, जहाँ वेद पुराण उपनिषदों की जन्म धरती है, जो आयुषो वेदा आयुर्वेद की भी बात करती है सिरमन। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने तब कहा था, ये जड़ी बूटी करने वाली बात करते हैं, ये पोंगा पंडित हैं, लीक पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग तब आयुर्वेद को ऐसा कहते थे, आज सारा विश्व आयुषो वेदा आयुर्वेद के पीछे खड़ा होकर के, यदि आयु का कोई विज्ञान है, मनुष्य के शरीर की रक्षा कोई कर सकता है, तो केवल वही आयुर्विज्ञान है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर एक है श्रीमान, इस पे चर्चा होनी चाहिए। केवल कुछ शब्दों में कह करके उस ज्योतिष विज्ञान को जो सारे नागार्जुन ने रसायन शास्त्र को दिया था, ये रसायन शास्त्र किस दुनिया के किस वैज्ञानिक ने वो सूत्र को दिया है, ये पाणिनि ने संस्कृत को दिया, व्याकरण को दिया। आज नासा भी कह रहा है कि निकट भविष्य में यदि कंप्यूटर वाकिंग कंप्यूटर, यदि बोलचाल की भाषा का कंप्यूटर जिंदा रहेगा तो केवल संस्कृत के बल पर ही रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। ये नासा बोल रहा है, क्योंकि संस्कृत साइंटिफिक भाषा है, जो बोला जाता है वही उच्चारित होता है, वही लिखा जाता है, और दुनिया में कोई भाषा ऐसी साइंटिफिक नहीं है। हम क्यों भूले अपने को, हम क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाने की बात की है। ये ऋषिकरण, ये अणु और परमाणु का, किस दुनिया के व्यक्ति ने अणु और परमाणु का के बारे में विचार किया है, शोध किया है? ये अणु और परमाणु के बारे में शोध किया है, जो खोज दी है, तो चरक ऋषि ने दिए। हमारे पास बहुत बड़ा आधार है, पूरी दुनिया को सब कुछ देने का आधार है। राम सेतु हमारे इंजीनियरों ने बनाए हैं, जिसको देख करके दुनिया भी आश्चर्यचकित है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि यदि वो तकनीक हमारे पास थी, वास्तु शास्त्र के बारे में जब हम कहते हैं देखते हैं, कहाँ थे हम? हमने नवोन्मेष के साथ उसको आगे बढ़ाने में हो सकता है चूक की होगी, लेकिन अब हम खड़े हो सकते हैं। आधुनिक भारत में जब हम एक तरफ चांद पर जा रहे हैं और अपने आप को विश्व के डेवलप्ड कंट्री से तुलना कर रहे हैं, वही अगर हम आधुनिक ही भारत में जादू टोना की बात करें तो आपको कुछ अजीब नहीं लगेगा। भोपाल से बीजेपी की सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बयान दिया इतना अजीब, आइए सुनते हैं। उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा, उनको हानि पहुंचा सकता है, आप टारगेट हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, और ये होने वाला है। उन महाराज जी की बात को मैंने
उतनी भीड़ में चलते चलते जो सुना और भूल गए। परंतु आज जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे वास्तव में शीर्ष नेतृत्व कभी सुषमा जी, बाबूलाल जी, फिर जेटली जी और ऐसे क्रमशः जो हमारे नेता पीड़ा सहते सहते और जाते हैं, मन में एक बार आया कि कहीं ये सच तो नहीं। ये आज भी प्रश्नवाचक है, परंतु सच ये है कि हमारे बीच से हमारा नेतृत्व निरंतर जा रहा है, असमय जा रहा है। वीडियो कैसा लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।